अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कृष्ण 6 दिन के हुए। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए इस ब्रज में पुतना को भेजा। राक्षसी पुतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी, लेकिन कृष्ण ने देखा कि चलो जो भी है, आई है वृंदावन में। मैं कृष्ण का एक स्वभाव आपको बताऊं, हमारे कृष्ण को किसी की गलती दिखाई ही नहीं देती है, इनको डार्क साइड दिखाई नहीं देती है। आप कृष्ण मात्र और मात्र प्रेम करना ही जानते हैं। अब पूतना आई थी जान से मारने के लिए, स्तन पर विष लगाकर आई थी कि मैं इसे मार ही दूंगी, और उस समय कृष्ण मात्र 6 दिन के थे। लेकिन कृष्ण ने यही देखा कि चलो भाई, आई तो है मेरे पास, मेरे दरबार में, मेरे घर, मेरे मंदिर में, और जैसे तैसे भी मुझे कुछ देने आई है। 2 गुण कृष्ण ने देखा और सोचा कि मेरे पास आई है, मुझे कुछ देने आई है, मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे अपनी मां बना लूंगा। कृष्ण ने पूतना को धात्री गति प्रदान कर दी, माता की गति दे दी। पूतना का उद्धार किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब कृष्ण ने एक राक्षसी का उद्धार किया तो हम राक्षसी तो नहीं है थोड़े बहुत, लेकिन टोटल राक्षसी तो नहीं है। पूतना कृष्ण को विष पिलाने गई थी, फिर भी उनका उद्धार कर दिया, तो फिर हम भाव से दूध दही माखन खिलाए तो वे हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे? बस हम उनकी सेवा करें। श्री कृष्ण भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgobindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +917506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।